दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे ब्लॉग को लेकर के। हाँ, अरे वाह, आशीर्वाद दो एक आध गो नाती पुता रो। अच्छा लगे मम्मी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे। सब लोग गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग के टाइम में जल्दी देखिए एकदम अंधेरा वाला सीन है। ब्लॉग क्यों स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि पापा जी को कहीं जाना है काम से, तो हमने सोचा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए, आप लोगों को बता भी दिया जाए। हमसे चलिए मम्मी पापा के आशीर्वाद से आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है 7:30। पापा जी चले गए, हल्की हल्की धूप निकल गई है। देवी जी नीचे बर्तन धुल रही है आराम से। मम्मी जी नीचे थोड़ा सा झाड़ू लगा दी हैं, ऊपर में भी अच्छे तरीके झाड़ू वगैरह लग गया, सब साफ सुथरा हो गया बढ़िया से। और रात में जो खाना बचा था ना, रोटी सब्जी बनी थी सोयाबीन की और आलू की, तो वो जो है अभी बचा हुआ है। तो मॉर्निंग के काम में सारा काम हो चुका है अच्छे तरीके से। और अभी मम्मी जो है जा रही है दूध लाने के लिए। देखिए धूप एकदम लहला के हुआ है। मम्मी हम बोल रहे थे ना कि देवी जी को वहाँ पर बैठा देते कन्या को, ठीक है, वीडियो बना लेते द्वारे पर अभी। हाँ, खटिया लगा देते और कैमरा वैमरा सेटअप करके और जल्दी से बना के उनको जल्दी कह देते चले जाइए अंदर आप, क्या कि यहाँ तो अलाव नहीं है बाहर में निकलना। तो अभी लोग सच चलता है सब तरफ, बस गाना वाना सेट करके रखे रहेंगे, वो अंदर ही रहेंगी। आप पहले से बैठल रहेगा, आपसे सेट बगल में आके बैठ जाएंगे तुरंत, फिर चल जाएंगे वो। ये खटिया है ना जो देखे ना चारपाई, यहाँ पर ये बिछा के कर ले काम, तुरंत हो जाएगा अपना। क्योंकि सोच रहे ना दोस्तों ऊपर शूट करते हैं तो थोड़ा लोकेशन मैच नहीं करता, हम सोच रहे कि यहाँ का एक शूट करें वीडियो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तो मस्त मम्मी जी भी रेडी हो गए, वहाँ धूप में बैठ के चाय पी रही है। और यहाँ पे देखिए देवी जी, कोई बात नहीं रहने दीजिए, अच्छा लग रहे हैं ये अंधेरे में बैठ के। चलिए हम दिखाएंगे अब आप लोग को। रेडी हो गए यहाँ हमारा ट्राइपॉड, वीडियो को शूट कर रहे हैं, रील को। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द रील शूट हो जाए, मज़ा आ जाएगा। बिस्किट निकाल दिए, मम्मी को दे दिया ना चाय। चलिए अब हम दोनों पी लेते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये मेरा फेवरेट बिस्किट है जो पापा जी ला कर दिए। तो दोस्तों अभी हम मार्केट आ गए मम्मी जी के साथ में पत्थर घाट, और देखिए देवी जी के लिए है इतना ढेर सारा मेकअप का सामान। और भैया जी से हम पूछ रहे हैं कि आज तक हम लोग एक क्रीम तक नहीं लगाए, बताइए। देवी जी इतना इतना मेकअप करती हैं, यहाँ तक कि मम्मी भी नहीं लगाई है, खुद अचंभित में पड़ी हुई है। मालूम नहीं है, मम्मी को खुद पता नहीं है। उनसे फोन पे हम पूछे कि क्या क्या चीज लेना है, उन्होंने बताया ये चीजें ये चीजें ये चीजें, मालूम नहीं। मम्मी जी मेकअप का सामान ले ली और अभी लेने आई है मम्मी जी मिठाई बहू के लिए, क्योंकि बहू से इतना ज्यादा प्यार करती है। चलिए आपका भी सीन आ गया, देख लीजिएगा ब्लॉग यूट्यूब पे, है ना। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। अब मेरा भी नाम है राजा। राजा भैया अभी मिले हैं तो अपना दुकान में लेकर के आए, इनका दुकान है कपड़ों का। चलिए अच्छा लगा भैया मिल करके। और ये दुकान पत्थरघाट के सामने पड़ता है, देखिएगा आप लोग जहाँ मिठाई लेने हम आते हैं। ओके भैया, थैंक यू, अच्छा लगा मिल करके। कभी आएंगे कपड़ा वपड़ा लेने के लिए, डिस्काउंट कर दीजिएगा। अच्छा जी जी, सबसे अच्छा डिस्काउंट। अच्छा चलिए, अच्छा लगा हमको सुनकर ज़्यादा। आपका नाम सेम है ना, और राजा नाम का लड़का बहुत मेहनती होता है। आप फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए, और देखिए मम्मी जी दो दो चीज़ लेकर के आई है, एक मिठाई और एक मेकअप। दे दो बहू को जाओ आप, क्योंकि सारी बेटियां जो है अपने अपने ससुराल गई हैं, तो अब घर भी अब एक ही बेटी है, ठीक है। बहू भी एक बेटी होती हैं, इसलिए मम्मी जो है लेकर के आई हैं सारा सामान। हाँ, खाली वीडियो कॉल पर ही लगे रहती है। कौन थे? पापा थे? मम्मी थे। अकेले बेचारी डर जाती है इसीलिए। हम तो चार रहते थे घर में। अरे मम्मी आज नया जनरेशन में डरता है, आप पुराना जनरेशन है। मम्मी कितने बड़े हो जाएंगे तब नहीं डरेंगे, अभी हम छोटे। अभी दूध पिलाए मम्मी, दूध पिला दे अभी। हाँ बेटा बेटी देख रहे भाई भाई। हाँ हट हट हट, यहाँ पे लेटा बोलू लुलू दूध पील। दिखा दीजिए क्या क्या चीज है, सिंगार का सामान है। हाँ, देख लीजिए उसमें मिठाई तुम्हारे लिए। हाँ, ये मिठाई है स्पॉन्ज वाला, मम्मी लाई है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, सब सामान देख लीजिए आप एक एक चेक करके। ये देखो हम दुकान खोल लिए कबाड़ी वाला, देखिए ठीक है दोस्तों। सब कुछ मम्मी एक एक चीज करके सामान जो है खरीद करके खुद से जो है सब कुछ लगाई है। ये पिन आल पिन है ना, देख सकते हैं। अभी देखिए प्यारी देवी जी मम्मी के लिए मिठाई लेकर के आए थे, इनके लिए भी, तो अभी खिला रही है। सबसे पहले मम्मी को खिलाया जाए क्योंकि आज खुशी का दिन है।
कितना सारा मिठाई है, हम रात को उठ उठ के खाते हैं। हाँ। अरे वाह, आशीर्वाद दो एक आध को नाती पुता रो। अच्छा लगे मम्मी। सबसे पहले पोता, हाँ उसके बाद पोती। तो इधर मम्मी जी चारा लेकर के आई है, देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा पत्ता कहाँ से ले आई मम्मी? ये भी रोट बन रहा है ना। हाँ हाँ, बलराजर वाला सब पेड़ के। अच्छा, वो साइड से पेड़ जो कट रहा है वो। हाँ, हाँ। और ये देखिए ढेर सारा राशन लेकर के आई है और गोयल नमकीन अपनी। तो दोपहर का टाइम हो चुका है और देवी जी देखिए पहली बार हमारे घर में जो कपड़ा धुल रही है और वो भी हाथों से, क्योंकि इनके घर में वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। फिर भी कभी हाँ, नहीं धुले मशीन में। मशीन में मम्मी धुल। आप कपड़ा ही नहीं धुली? हाँ, कपड़ा धुलते ही नहीं थे, फेंक देते थे उसे मशीन में चुपके से डाल देते। अच्छा अच्छा, चलिए मेरे लिए इतना कष्ट करे तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए आप लोग प्लीज मदद करिए, बाल्टी कपड़ा है। जी बरबट्टी को फैला दिए सूखने के लिए ताकि सूख जाए तो उसका दाल मस्त बनता है दोस्तों। हमारे बिहार में स्पेशल दाल इसको भी कहा जाता है। बरबट्टी हमारे खेतों में अक्सर जो है उगाया ही जाता है, अच्छे तरीके से उपजाया भी जाता है। मतलब गेहूं का खेती हो गया या फिर कोई सा भी मक्का की खेती हो गया तो साइड साइड से लगा दिया जाता है। और देवी जी कपड़ा साफ कर रही है और साथ ही साथ बोल रही है हमको कि बर्तन उठा के आप लेके आइए ताकि बर्तन जो है हम धुल देंगे अच्छे तरीके से। और हम लोग कुछ ही दिनों में गोवा निकलने वाले हैं एक ट्रिप पे, बस आप लोग प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। देवी जी लीजिए ये चाय वाला भी उठा लिए। आप बोलिए इसमें चाय होगा? नहीं था, पानी था ना चाय वाला। हमको लगा तो दोस्तों अभी एक दो घंटा पहले क्या हुआ था कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, एकदम बिल्कुल ही बेहोश हो गए थे हम। और मम्मी देवी जी पता नहीं क्या क्या दवा लाए, डॉक्टर साहब आए, सुई भी लगा, तब जाके ठीक हुआ। देखिए देवी जी कपड़ा साफ कर लिया आप घबराया मत कीजिए, सब ठीक होगा। हैं दोस्तों, हम लोग गोवा ट्रिप पे जाने वाले हैं। अब आप लोग बताइए हम लोग गोवा जाए, अच्छा अच्छा कमेंट करना और हम लोग खूब मेहनत करेंगे। और आपके भैया तो वही सड़ाइला बूसट वही। हाँ, हम गंदा गंदा पहनते हैं, कह रहे कि थोड़ा अच्छे बनिए। तो हम आ गए हाँ। लेकिन वो बोल रहे मेरी पुरानी जिंदगी में कैसे भूल जाऊं। तो देखिए पापा जी अभी समस्तीपुर से आ गए हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा कुछ काम था और अभी पानी फेंक करके आते हैं, काम पे एकदम लग जाते हैं। पापा इतना मेहनत करते हैं, क्या मैं पहुंचा दिया पापा? हाँ, हाँ? बस कोई दिक्कत नहीं, इधर से जाने में बस। हाँ, वो ट्रैक्टर पर आलू का बोरा लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर आ गया पलट। हाँ हाँ, अब कच्ची रोड में भी नया भराई भी लगा दिया। हाँ, ये भी दुर्घटना होने से बचाना सब मर जाता उसमें। अरे बाप, फिर वो पीछे करके कैसा हो निकाला, अब बजरंगी चौक से निकाल के तब समस्तीपुर 10:30 बजे। 10:30 बजे इतना लेट? हाँ जी, 8 सुबेरे करीबन 6-7 बजे पापा बस पकड़े थे। ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा का रास्ता है, मॉर्निंग के टाइम पूरा खुला हुआ रास्ता रहता है। तभी तो हम सोचे कि पापा इतना लेट पहुँचे और शाम में लेट से आए। रोड जो खनारा है ना। हाँ, वो सब ऊँचा खाबर है, कहीं मतलब चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ, 3 मर गया है रात में, वही पर मिट्टी पर चढ़ा दिया, इधर से ट्रक जा रहा था, बैक वाला पर तीनों को स्पोटेड। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे ब्लॉक को लेकर के, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कल से। कल क्या हुआ था कि हमने जो है ब्लॉक को जो है डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट करने का कारण यही है, बगल में गाना बज रहा है। हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल से पूरा इससे देखिए पूरा फुल से। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, कैसा क्या लगे ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बगल में इंस्टा पर जाकर के फॉलो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट 2 मिनट कंप्लीट करवा दीजिए। अपना कीमती वन करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत